अमित सक्सेना एडवोकेट। ये 12 साल पुरानी है, इस बार 12वीं शोभा यात्रा का हम लोगों ने भव्य आयोजन किया है। ये किला थाने से स्टार्ट होकर और भगवान चित्रगुप्त जी का मंदिर जो उसमें गुद्दलबाग मंदिर में, वहाँ पर इसका समापन होगा। बड़े बाजार से लेके कुतुब खाना, कुआड़ा पीर से होते हुए ही वहाँ जाएंगे। और इसमें बीच में कई लोगों ने स्वागत करा है, हर समाज के लोग यहाँ पर मौजूद रहे, सारे लोगों ने यहाँ पर स्वागत किया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। महिलाएं भी इसमें काफ़ी संख्या में शामिल है। इसमें भगवान चित्रगुप्त जी महाराज के 12 पुत्र और 2 पत्नियों का स्वरूप है। और हमारे संग एक झांकी आप पीछे देख रहे चल रही है, जिसमें भगवान शिव का अवतार का वर्णन किया जा रहा है। गणेश जी और लक्ष्मी जी की एक झांकी अलग है, और भगवान चित्रगुप्त जी महाराज की शोभा यात्रा पीछे आ रही है, जिसमें उनका भव्य स्वरूप बनाया गया है, जो हमारे ही सब बच्चे, सबके घरों के बच्चों ने मिलकर बनाया गया है। झंडी हमारे माननीय संतोष गंगवार जी और केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार जी और हमारे संरक्षक महोदय पवन सक्सेना, बीजेपी के महानगर अध्यक्ष के एम अरोड़ा, अवला के चेयरमैन संजीव सक्सेना जी ने झंडी को झंडी यात्रा शुरू करी, और बाकी कमेटी के हमारे अध्यक्ष संजय सक्सेना, मैं अमित सक्सेना महानगर अध्यक्ष, अखिलेश जी, मैं अमित सक्सेना महासचिव, और प्रवेश वर्मा जी हमारे इसमें मुख्य रूप से सहयोगी रहे। ये शोभा यात्रा का स्वागत हमारे कांग्रेस कमेटी के लोगों द्वारा किया गया, और निश्चित रूप से भगवान चित्रगुप्त युग पुरुष थे, और उन्होंने जिस तरह से भाईचारा और प्रेम का संदेश इस देश को और विश्व को दिया वो अनुकरणीय है। उनका दिखाया हुआ मार्ग हमें सदैव ही प्रकाश हमें उनसे प्राप्त होता रहेगा, और निश्चय ही उनके बताए हुए रास्ते पर हम सब लोग चलने का प्रयास करेंगे। उनको बहुत बहुत श्रद्धा सुमन और उनका स्मरण, उनका वंदन और नमन। आज का कार्यक्रम जो इन्होंने साहूकारा गेट से यात्रा निकाल के गुद्दलबाग पे जिसकी समाप्ति होनी है, उसमें हमारी कांग्रेस कमेटी के द्वारा भी बीच में स्वागत किया गया, कई जगह किया गया, और भारी पुष्प वर्षा के साथ जिस तरह से उनका आयोजन लगातार ये पिछले कई वर्षों से चल रहा है, उसमें सहभागिता का एक सुखद अनुभव भी रहता है, और अपने आप में एक संदेश भी देता हुआ चली जाती है यात्रा, और उसके लिए हम श्रद्धा सुमन अर्पित करें।